एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप भी घर पर ठीक से होंगे। तो आज सुबह मैं जल्दी उठी थी 5 बजे, क्योंकि आज परी का स्कूल है, तो उसके स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो परी भी रेडी हो गई है जाने के लिए। से हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो। तो व्योम भी उठ गया है और अभी बहुत तंग कर रहा है। अभी बस परी जाने वाली है थोड़ी देर में। वो देखिए आ गई, आ गए। ये देखिए आ गया। ओ तेरी ओए, व्योम दीदी को देख रहा है कि इतने टाइम के बाद कहाँ जा रही है ये। ओए होए, एक्टिंग। ये तो पूरी ओवर एक्टिंग ही हो रही है आज। ओ तेरी ओ पूरी ओवर एक्टिंग ही हो रही है आज। तो अच्छा जी, इस परी कोई देख रहा है कि क्या कर रही है वो। अरे वाह, एक्टिंग, पूरी ओवर एक्टिंग। मैं लॉक कर दिया है और देखिए खुल नहीं रहा है ये दरवाजा। इतनी अब रो रहा है कि क्या हो गया, ये नहीं ओपन हो रहा है अब। परी करो बेटा, ओपन ही नहीं हो रहा। छोड़ो, देखते हैं, खोलना अंदर से। खुल ही नहीं रहा है, लॉक हो गया। यस, अब खुल गया। तो दोस्तों, आज मैं बैंक जा रही हूँ। बैंक में कुछ थोड़ा सा काम है मुझे, तो अभी मैं निकल गई हूँ बैंक के लिए। परी स्कूल चली गई है और अभी थोड़ा सा बैंक का काम करके घर वापस आते हैं। नमस्ते भैया। तो ओके, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं निकल चुकी हूँ, गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं। और परी के स्कूल के आने से पहले पहले मुझे घर पहुंचना है। थोड़ा ये एग्जिट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे मतलब गेट के बाहर ही डॉग पार्क है। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, लोग अपने पेट्स को घुमाने यहाँ आते हैं। ये इस तरफ डॉग पार्क है, दिखाती हूँ आपको मैं। किसी दिन डॉग पार्क में भी आऊँगी और दिखाऊँगी आपको। डॉग तो नहीं है मेरे पास, ये है, ये डॉग पार्क है। इसके अंदर ये लोग आते हैं यहाँ पे। देखो ग्रीनरी कितनी अच्छी है यहाँ पे, डॉग्स के लिए भी कितना अच्छा बनाया हुआ है। और ये हमारे यहाँ की मेट्रो जा रही है, ये देखिए। व्योम को पेन बहुत पसंद है, ये देखो हमेशा पेन के साथ खेलता है। ये बर्तन चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, टॉयज नहीं चाहिए। टॉयज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खेलता है। और बुक्स चाहिए इसको फाड़ने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, फाड़ने के लिए। इतना खुश है कि मैं निकल गया हूँ बाहर घर से। देखो लट्टू को देख लो, कितना खुश है। ओए मार सुटिया। हेलो करते हैं। हेलो, ये लग जाएगा, पेन मार दोगे मुझको? दे दो। क्लोज करो, चलो। पता है ना क्या, क्लोज करो। हाईवे में इतना ट्रैफिक है आज, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, क्योंकि अभी ऑफिस टाइमिंग है सबका ना, तो इसीलिए ट्रैफिक रहता है यहाँ पे हाईवे में। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं अपने डेस्टिनेशन पे और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कहां पर आ गई हूं। तो बस मैं पहुंचने वाली हूं अपने बैंक में। अभी तो इतना रश नहीं है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज रहे हैं। तो क्योंकि परी स्कूल गई है, परी के स्कूल के आने से पहले पहले ही मुझे घर पहुँचना है। तो क्योंकि घर पर कोई और नहीं है उसको देखने के लिए, तो बस मैं पहुँच गई हूँ। दोस्तों, मैं बैंक के पास पहुंच गई हूं और मैं बैंक के अंदर जा रही हूं। मैं अपना काम फटाफट से निपटा के आपको वापस मिलती हूं। और मैं आपको अपने बैंक का नाम नहीं बताऊंगी कि मैं कौन से बैंक में जा रही हूं, तो आप मुझे बताना कि मैं कौन से बैंक पे गई होंगी, गेस करो और मुझे कमेंट करो। तो मैं देखती हूँ किसका गेस अच्छा ठीक जाता है। तो मैं वापस जा रही हूँ, मेरे बैंक का काम हो गया है। और व्योम ने बहुत परेशान किया, इवन मैं रोई भी बहुत हूँ, इसने मेरा मुंह काला कर दिया था पैंक के साथ, मैं जो दिखा नहीं सकती थी। और हस्बैंड मेरे चले गया ऑफिस और मैं अभी कैब से वापस जा रही हूँ घर। तो अभी घर जाके मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ओके, बाय बाय। इसको देखो, ये बाहर खड़ा है और अंदर नहीं आना चाह रहा। व्योम कम इनसाइड, चलो अंदर आओ। छोड़ दो उसको,
छोड़ रहे हो कि नहीं? छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो, आओ जल्दी से आओ। ये देखो इसने वहाँ क्या किया कि पेन लेके पेन की लीक, पेन लीक करवा दिया इसने। ये देखो क्या किया, ये देखो सारे कपड़े गंदे कर दिए। अरे कहाँ जा रहा है? कपड़े दिखाना अपने। ये देखो कपड़ों का हाल देखना, इसने वहाँ पे पता नहीं पेन की कैसे इंक लीक हो गई और इसने बुरा हाल कर दिया वहाँ पे। इवन मेरे हाथ, हाथ मैंने साफ कर लिए हैं। दूसरा दिखाती हूँ, ये देखो थोड़ा थोड़े मार्क लग गए दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये देखो कपड़ों पे लगा दिया इसने, मेरा मुँह काला कर दिया इसने बिल्कुल, वहाँ पर नीला कर दिया बिल्कुल। है नहीं वापस, चलो चलो अंदर अंदर, चलो चलो अंदर, अब मैं मारूंगी अब, चलो अंदर चलो, गो गो इनसाइड, चलो अंदर अंदर चलो। ओ सही रहा आ गई, चलो 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 चलो, ऐसे बंद करना पड़ता है इसको। तो अभी घर आ गई हूँ मैं, और अभी देखते हैं क्या करना है। बहुत गंद मचा हुआ है घर पे अभी। 2 बजने वाले हैं और मैं परी को नीचे लेने जा रही हूँ बेसमेंट में। तो ये भी ओम सोया हुआ था, अभी नींद में ही है, तो अभी एकदम से उठा दिया है क्योंकि आज परी का फर्स्ट डे था। तो वो बोलेगी मम आप मुझे लेने नहीं आए, तो इसलिए मुझे इसको उठाना पड़ा। तो अभी लिफ्ट आ गई है, तो अभी मिलते हैं। तो परी वापस आ गई है स्कूल से और उसने चेंज कर लिया है, चेंज कर रही है आई थिंक अंदर रूम में अपनी। तो अभी लंच करेगी वो, लंच करने के बाद फिर हम बातें करेंगे। और अभी आज बता रही थी कि मम्मा आज हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, हमने सिर्फ आज मजे किए हैं, आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, फन हुआ है आज। Welcome to my back channel. What? Welcome to my back channel. है? क्या? Sorry, sorry. Again, again. What? What do you say? I can't say. Just speak, speak fast. Okay. Welcome to my देखो इतनी एक्साइटमेंट हो गई है ना, क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, इंग्लिश भूल गई है, क्या बोला था, वर्ड ही भूल गई है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ तो ये है इसकी देखो प्रॉब्लम, जब एक्साइटमेंट होती है ना तो सब कुछ भूल जाती है ये। थोड़ी नर्वस भी हो जाती है जब मैं डांटती हूँ ना, बहुत नर्वस हो जाती है। सब बच्चे होते होंगे, सब बच्चों का यही हाल है। तो ठीक है अभी लंच कर लेते हैं। लंच में बनाए हैं राइस, शिमला मिर्च, दाल और थोड़ी सी मैगी पड़ी थी सुबह की, क्योंकि आज इसने सुबह ब्रेकफास्ट में मैगी लेकर गई थी। तो ये भी ओम भी डांस कर रहा है। ओम हेलो हेलो बोल दो। चलो ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों मौसम फिर से ख़राब, ख़राब नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा मौसम हो गया। छोटी छोटी बारिश भी हो रही है, वो क्या बोलते हैं ना पंजाबी चिकनियाँ आनियाँ शुरू हो गई हैं, मतलब ये हो रहा है। और बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया। देखिए ना आपको लग रहा है हवा भी चल रही है, ये देखो मेरी बेडशीट हिल रही है देखो, बट मेरे बाल नहीं हिल रहे, क्या बात होगी आज। वो बादलों ने फिर से रुख बदल दिया है, क्या बोलते हैं उसको, वो डायलॉग है ना वो, कि बादलों ने रुख बदल दिया, रुख ने बादल बदला है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। और आप मुझे करेक्ट करना, हाँ कमेंट करके बताना कि क्या बोलते हैं उसको। और अब मैं अंदर जा रही हूँ, मन तो नहीं कर, अरे उड़े 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 बाल, उड़े 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 बाल, उड़े उड़े बाल, मेरे बाल उड़ जा, बाल नहीं उड़ रहे मेरे आज। वैसे बहुत अच्छा वाला मौसम है, तो ठीक है फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज देखते हैं रात का क्या प्लान है। तो आज मैं नीचे नहीं जा रही हूँ क्योंकि व्योम सो गया है और मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वो आज 1:30 बजे उठा था, तो उसके बाद जाके अब सोया है। तो अभी सोना तो नहीं चाहिए था उसको, बट अब सो गया। अभी देखो रात कब उठता है और कब सोता है, तो ऐसा है। तो अभी तो मैं नहीं जाऊँगी नीचे। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्विमिंग वाले स्विमिंग कर रहे हैं, खेलने वाले खेल रहे हैं, और देखो टाइकोंडो हो रहा है वहाँ पे, ये बस ये क्या कहते हैं इसको, बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे। तो परी तो नीचे गई हुई है खेलने के लिए, पता नहीं किस तरफ है, क्या कर रही है वो, कहाँ पर है। तो 7:30 तक वो आ जाएगी, खाना मैंने बना लिया है, अभी आएगी तो मैं खाना दूँगी। कि 7:30-8 बजे तक मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डिनर कर लेते हैं, हम क्या मैं और परी कर लेते हैं, और जब इसके पापा आते हैं वो तब करते हैं। और
मैं आपको दिखाती हूँ, शायद फ्यूमिगेशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में, मॉस्किटो को भगाने के लिए होती है फ्यूमिगेशन यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी यहाँ आवाज़ तो आ रही थी बट पता नहीं कहाँ पर हो रहा है, तो ठीक है फिर। तो दोस्तों मैं अभी आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि हमारे मेरे साथ आज बैंक में क्या हुआ। बैंक में ये हुआ कि व्योम के पास ब्लू पेन था, जेल पेन, वो घर से ही लेकर गया था जेल पेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपी पेन ये सब भात बर्तन बुर्तन के साथ खेलता है, ये टॉयज के साथ तो इसको खेलना ही नहीं होता है। तो ये घर से ही पेन ले गया था और इसके हाथ में ही था वो पेन। जैसे ही हम बैंक पहुँचे, पहले तो जहाँ पे वो सीटिंग अरेंजमेंट था, बैठने की जगह थी, चेयर्स थी, उसके अंदर इसने अपनी लेग फंसा लिया। ठीक है, तो बहुत रोया। सुबह के 10 बजे हुए थे, अभी इतना स्टाफ आया नहीं था बैंक में, सिर्फ 2-3 लोग ही थे वहाँ पे। तो क्या हुआ कि इसने अपना पहले लात वहाँ पे फंसा लिया, फिर ये बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। फिर वहाँ पे जो गार्ड था उन्होंने उन्होंने निकाला, मैंने भी निकाला, फंस चुकी थी मतलब इसकी लेग ना, मतलब घुटना जो था वो उसमें फंस चुका था, मतलब बहुत रो रहा था। तो फटाफट से निकाला हमने, जैसे तैसे निकल गया, निकल रहा था तो निकल गया, तो फिर ये बहुत रोया, बहुत रोने लग गया। तो मैं रोते रोते इसको मैं बाहर ले गई, इसको मतलब बैंक के बाहर ले गई, चुप हो जाएगा, लेकिन ये चुप हुआ नहीं, ये रोता रहा। लेकिन रोते रोते इसने पता नहीं कब इसने वही पेन पकड़ा हुआ था, उस पेन को कहाँ से उसने वो निकाला और वो लीक करने लग गया। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन इसके हाथ में पेन था ये मैंने नोटिस किया था। तो वो पेन लीक होने लग गया, तो अभी इसने लीक करते करते इसने मेरे कपड़ों पर भी लगा दिया था, मेरे हाथों पर भी लग चुका था, और इवन मुझे पता नहीं था, और इसके भी कपड़ों पे लगा हुआ था। तो जैसे ही मैं लेकर इसको अंदर गई बैंक के अंदर, तो जो वहाँ पे जो एम्प्लॉई था बैंक का, तो मैं उससे कुछ बात कर रही थी, तो वो आदमी मेरे फेस की तरफ देख ही जा रहा है। और मुझे ये लग रहा, मेरे को लगा कि ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मतलब पता नहीं क्यों देख रहा है मुझे ऐसे, क्योंकि अभी तो बात हो रही थी। तो उसी ने मुझे बोला कि पहले आप अपने बेटे को चुप करवा लो, तो फिर बात करते हैं। तो जैसे ही मैं गई अंदर, तो वो मेरे फेस की तरफ ऐसे देख ही जा रहा है। और मुझे लगा कि पता नहीं क्या, शायद कुछ भी, मैं तो मेकअप वेकअप करती कम ही हूँ, सिर्फ लाइनर लगा कर गई थी मैं, आईलाइनर। तो गई और देखा तो वो देख रहा था मुझे। फिर देखते देखते मैंने एकदम से अपने मेरा ध्यान ना एकदम से हाथों में चला गया। मैंने कहा ये इंक कहाँ से लगी है, ब्लू इंक। फिर दूसरा हाथ देखा तो दूसरे हाथ पे भी था, क्योंकि मुझे मेरी हैबिट है कि जब भी मतलब बाहर गर्मी होती है तो मेरा बार बार ऐसे 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 करने की आदत होती है मुझे, हैंकी तो मैं रखती नहीं हूँ। तो वो क्या हुआ कि मैंने देखा तो वो इंक जो थी वो मेरे फेस पे लग चुकी थी, ऐसे ऐसे करके यहाँ लगी होगी, यहाँ पे दो तीन फिंगर यहाँ लगी होगी, दो फिंगर यहाँ लगी होगी। तो मतलब मेरे बेटे ने मुझे नीला कर दिया था मेरा फेस, इवन कपड़े भी ख़राब हो गए थे। तो मैं एकदम से देखा तो कि मेरे कपड़े भी ख़राब हो गए, हाथ देखा मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मतलब मुझे डाउट हो गया था कि मेरे फेस पे लगा होगा कुछ, या तो नाक पे लगा है या चीक्स पे लगा होगा। तो फटाफट मैंने देखा अपना फ़ोन में कैमरा ऑन किया और देखा तो मेरे फेस में सी मतलब बिल्कुल नीली हो रखी थी, मैं यहाँ से और यहाँ पे था, यहाँ नहीं था, नोज़ पे नहीं था। फिर मैं एकदम से बाहर आई, फिर वो साथ में कोई शॉप थी बेकरी की, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया टिश्यू पेपर है, तो उन्होंने बोला कि टिश्यू पेपर तो है लेकिन ड्राई वाले हैं। तो मैंने कहा प्लीज़ आप दे दीजिए, मेरे फेस ख़राब हो गया है। तो मैं उनसे पानी नहीं मांग सकी क्योंकि ये टिके नहीं रहा था ये, तो मैंने वो टिश्यू से अपने हाथ ही साफ़ किए, फेस पे तो लगा ही रह गया। फिर मैं चली गई दूसरे बैंक में, मैं आपको नाम नहीं बताऊँगी कि मैं कौन से बैंक में गई थी। फिर मैं दूसरे बैंक में गई तो वहाँ पे भी सेम ऐसे हुआ कि मैं फटाफट वहाँ पे वॉशरूम पूछा कि वॉशरूम कहाँ पे, मैंने क्लीन किया। तो मतलब आज मेरे बेटे ने ना मेरे साथ ऐसा किया कि इतना शरारती है ना, मेरा मुँह काला कर दिया, काला नहीं मतलब नीला कर दिया, ऐसा हुआ आज इंसिडेंस। तो आप सोच रहे होंगे कि वो उस टाइम वो क्या फ़नी, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ ना तो वो फ़नी था, सबके लिए फ़नी है, लेकिन मेरे लिए वो रोने वाला था। मैं इतना रोई हूँ ना, मैंने कहा बनी तू जाएगा बेटा, तू घर पे ही रहेगा, तू घर के ही लायक है, तू ले जाने के लायक नहीं है।